माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पार्ट नंबर 22। नंबर 12, हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक नेगेटिव सोच यानी एक गलत ख्याल हमारे अच्छे से अच्छे मूड को खराब कर सकता है, लेकिन इसके उल्टा एक पॉजिटिव सोच आपके खराब से खराब मूड को फिर से अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये बात आप साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक नेगेटिव सोच के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव सोच ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए हमेशा लाइफ की हर एक कंडीशन में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखो। नंबर 11, आजकल लोग अपने स्मार्टफोन में पबजी या फिर दूसरे अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं, पर ये पबजी वगैरह एडवांस गेम्स के पहले आज तक की पूरी मोबाइल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्नेक गेम को खेला गया है। करीब 1 अरब लोग ये गेम आज तक खेल चुके हैं और मैं श्योर हूँ कि आपने भी इस गेम को जरूर खेला होगा। नंबर 10, अब ये शब्द को पढ़ो, उबासी। क्या आपको उबासी आई? और अगर नहीं आई तो ठीक है, पर 55% लोग ऐसे होते हैं जो उबासी शब्द को पढ़कर उबासी लेना शुरू करते हैं। नंबर 9, साल 2014 में एरोजिना में एक व्यक्ति ने बहुत अद्भुत कांड किया था। उस इंसान ने 1 करोड़ का हीरा कहीं से चुराया था, लेकिन ये जो नशेड़ी लोग रहते हैं ना, इन्हें कोई करोड़ रुपए की चीज के बदले 5 रुपए भी कोई दे देना तो वो उसे भी बेच डालते हैं। तो उस आदमी ने उस 1 करोड़ के हीरे को नशे की लत के कारण सिर्फ मात्र 1400 रुपए में बेच दिया था। इसलिए उन नशेड़ी लोगों के लिए आज एक पियक्कड़ शायरी पेश है मेरी तरफ से। चुराया था मैंने एक हीरा जो था करोड़ों का, चुराया था मैंने एक हीरा जो था करोड़ों का, पर जब दारू की बोतल सामने दिखी तब उस हीरे की चमक फीकी लगने लगी। इसीलिए बेच डाला उस करोड़ रुपए हीरे को सिर्फ 1400 रुपए में, और जब मैं घर जाकर उस दारू की बोतल को घटक लिया तब मैं क्या बताऊँ, उस 1400 रुपए की दारू में जो मजा था वो करोड़ों के हीरो में कहा था। ये नशेड़ी लोगों की अलग ही ठग लाइफ होती है। इनके पास घर खर्च चलाने के लिए पैसे तो नहीं होते, और पता नहीं नशा खरीदने के लिए रोज 1000 रुपए कहाँ कहाँ से निकल आते। नशे और एडिक्शन के बारे में कुछ और फैक्ट सुन लो। 13 साल की वो एवरेज उम्र है जिस उम्र में आजकल लड़के और लड़कियां पहली बार नशा करते हैं। नशे की लिस्ट में टोबैको अल्कोहल फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते हैं। दुनिया में 50% सुसाइड और क्राइम्स नशे के कारण ही होते हैं। इसमें नशा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता ही है। इस दुनिया में नशे के चलते करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरे दुनिया को हर साल होता है। नंबर 8, आपका दाया फेफड़ा आपके बाएं फेफड़े के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी जगह आपके दिल को भी देनी पड़ती है, और उस दिल में आप किस किस को जगह देते हो उस फैक्ट को तो आप ही जानो। नंबर 7, रोल्स रॉय जो कार होती है तो उस कार का इंजन इतना शांत होता है कि अगर आप रोल्स रॉय में बैठोगे आपको आपके घड़ी की टिक 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 आवाज भी सुनाई देंगी। औसम कार है ना। नंबर 6, हम लोग जो सांस लेते हैं ना तो उसका ऑक्सीजन कहाँ से आता है? डेफिनेटली इन प्यारे प्यारे पेड़ों से। तो एक पेड़ 1 साल में तकरीबन 21.7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोखता है, और पूरे एक दिन में इतना ऑक्सीजन देता है जिससे 4 आदमी जिंदा रह सकते हैं। ये पेड़ पौधे सोचो हम सबको जिंदा रखने के लिए कितने जरूरी है। एक बार पेड़ पौधों के नाम इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, बस एक लाइक कर दो बस। नंबर 5, आजकल के लोग ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 साल या फिर कोई कोई नसीब वाला होता है तो उससे भी ज्यादा लाइफ जी लेता है, पर आज से लगभग 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। सिर्फ 30 साल की जिंदगी, इमेजिन कर सकते हो आप कैसे जिए होंगे वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को। आप सभी सोचते होंगे कोको कोला जो होती है उसे सिर्फ पिया जाता है, लेकिन आज आप ये फैक्ट सुनकर शॉक हो जाओगे। तो फैक्ट ये है कि कोको कोला को टॉयलेट धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अजीब बात है ना, पीने की चीज बाथरूम धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग, अजीब दुनिया है यार। नंबर 3, हम किसी भी चीज को असलियत में करते समय इतना खुश नहीं होते जितना कि उसे बाद में याद करते समय खुश होते। ऐसा अक्सर होता है ना, क्या वो दिन था जब हम सब दोस्त लोग मिलकर उस दिन घूमने गए थे, सच में कितना मजा आया था ना उस दिन। तो ऐसी बातें हम करते हैं ना, ऐसा फील भी करते हैं कई बार। पर एक खुशी ऐसी भी है जिसे लोग होने से पहले और करते वक्त तो बहुत खुश होते पर बाद में याद करके पछताते। दोस्त मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और जानते हो वो चीज क्या होती है? शादी। रोल द नेक्स्ट फैक्ट, कमेंट मत करना इस बात पर। नंबर 2, ये फैक्ट आपके काफी काम आएगा इसीलिए इसे जरा ध्यान से सुनना। आप पढ़ाई करते वक्त जिस फ्लेवर का च्युइंगम खाओगे और फिर बाद में आप एग्जाम देते वक्त भी उसी फ्लेवर का च्युइंगम चबाओगे तो आपको पढ़ी हुई चीजें आसानी से याद आ जाएंगी। बहुत काम की फैक्ट है ये, इसलिए इसे एक बार जरूर ट्राई करना आप। नंबर 1,
यह है स्वामी विवेकानंद की तस्वीर और ये हमारे फैक्टिक चैनल वाले राजेश कुमार की तस्वीर। तो बात ये है, आपको नहीं लगता ये दोनों का चेहरा एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है? इन दोनों को देखकर आपको नहीं लगता है जैसे इनका पुनर्जन्म हुआ हो, जैसे एंजो फरारी और मेजुट ओजिल के केस में हुआ था? और विवेकानंद जी भी युद्ध को ज्ञान देने का काम किए थे और राजेश कुमार भी आज वही कर रहे हैं। राजेश कुमार और स्वामी विवेकानंद जी का गजब का कोइंसिडेंस है ना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।